हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो 2017 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे केवीएस पीजीटी का, उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके हैं। आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। और अगेन मेरी वही कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है बिहाइंड एवरी ऑप्शन, कि वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है, मैं उस लॉजिक को आपको समझा सकूं। अगर मैं उस लॉजिक को समझा पाऊंगा तो वो जो लॉजिक है वो बाकी एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो बोलता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम टू मोर सोर्सेस थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। यानी कि कॉम्बिनेशन सर्किट, इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि यूज होता है अगर आपको डेटा सेंड करना है फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि एक ही ट्रांसमिशन लाइन अगर आपके पास होगी और आपको डेटा सेंड करना है तो इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हमें चारों ऑप्शंस को एक करके समझते हैं कि चारों ऑप्शंस में वो कहना क्या चाहता है, डी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, एनकोडर होता क्या है। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी हम लोग एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर। अब देखिए, डी मल्टीप्लेक्सर जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि एक इनपुट को लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है, एक इनपुट को लीजिए और हमारे पास कुछ सेलेक्ट लाइन्स होंगी और उन सेलेक्ट लाइन्स के अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट को निकालेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि सेलेक्ट लाइन है हमारे पास, अगर ए और बी सेलेक्ट लाइन है, ये एक्चुअली इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम है, यानी कि बॉक्स टाइप ऑफ डायग्राम है। अब जैसे कि सेलेक्ट लाइन हमारे पास, अगर हम लोग इन दोनों सेलेक्ट लाइन के अंदर 0 0 पास करते हैं तो जो भी हमारे पास इनपुट आएगा वो इनपुट लाइन नंबर 0 से पास होगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास वो आउटपुट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर 0 और 1 पास करते हैं तो 0 और 1 का मतलब है कि जो भी हम इनपुट देंगे वो यहाँ पर लाइन नंबर 1 से पास होगा और वो आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, अब डी मल्टीप्लेक्सर के अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास एनकोडर। अब ये एनकोडर होता क्या, देखिए हमने पहले यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर चेक किया था, अब हमारे पास है एनकोडर। अब एनकोडर का काम क्या है कि आपके पास कुछ डेटा इनपुट्स हैं जैसे कि D0, D1, D2, D3। अब इन इनपुट से कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें एक आउटपुट लाइन को एक्टिवेट करना है। जैसे कि अगर इन सब के कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास 0001। सो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है इस तरीके से 0001, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों आउटपुट लाइन्स में 1 पास करना है। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसा होता है 1000, इनपुट का कॉम्बिनेशन हमारे पास D0 के अंदर अगर हम 1 पास करते हैं तो आउटपुट, दोनों आउटपुट लाइंस में से हमें 0 पास करना है। इस तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। ये एक सिंपल सा मैंने एक एनकोडर का यहाँ पर डायग्राम लिया है, इसके अलावा भी कई जगह पर ऐसा एनकोडर ऐसा हो सकता है जहाँ पर अगर आप दोनों सभी के अंदर अगर आप 0 पास कर रहे हैं तो आउटपुट आपके पास 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एनकोडर है, एनकोडर का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट, उसके किसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस आउटपुट को देंगे कि क्या डिजायर्ड आउटपुट हमें देना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म एनकोडर आप बना सकते हैं, जैसे कि एक टाइप ऑफ एनकोडर है जहाँ पर हमने इस तरीके से यूज़ किया है। इसके अलावा आप एनकोडर में ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों अगर आपके पास 0 हैं तो 0 के केस में हम इन दोनों के अंदर 0 0 ही आउटपुट दें। तो इस तरीके से अलग अलग एनकोडर्स आप बना सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारे पास डिकोडर। सो डिकोडर का मतलब क्या है कि हम कुछ इनपुट्स देंगे, जैसे कि आपके पास ए और बी इनपुट है। अब अगर इन दोनों इनपुट में हम लोग 0 0 पास कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से एक लाइन को एक्टिवेट करेंगे। अब देखो, एक बेसिक डिफरेंस है एनकोडर और डिकोडर और डी मल्टीप्लेक्सर के बीच में। जब हम डी मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं, देखो डी मल्टीप्लेक्सर आपने चेक भी किया था यहाँ पर, तो डी मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सेलेक्ट लाइंस थी तो इन सेलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस में से इनपुट को चूज करते थे। लेकिन एनकोडर में क्या है कि यहाँ पर कोई सेलेक्ट लाइंस नहीं है, यहाँ पर जो भी इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा, जो भी हमारे पास इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा तो उस इनपुट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम आउटपुट लाइन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड है। देखो, एक फोर्थ ऑप्शन हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर भी है। अब जो मल्टीप्लेक्सर है
उसका काम क्या है कि आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं आपके पास, अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट लाइन इनमें से कौन सा इनपुट हमें आउटपुट देना है हम उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर सेलेक्ट लाइन्स के अंदर हम 0 0 पास करेंगे तो जो इनपुट ए है हम उसको ऐसे आउटपुट यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेलेक्ट लाइन में अगर हम 0 1 पास करेंगे तो इनपुट बी को हम लोग यहाँ पर आउटपुट में देंगे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। अब देखो, जब डेटा ट्रांसमिशन करते हैं एक से ज़्यादा सोर्सेज के लिए तो हम उसमें मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से कि ये हमारे पास एक सेंडर साइड है और एक होगी हमारे पास रिसीवर साइड, ठीक है। अब सेंडर साइड के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, जैसे कि इनपुट ए बी सी एंड डी, उसी तरीके से रिसीवर साइड के पास भी हमारे पास एक ज़्यादा इनपुट होंगे ए बी सी एंड डी। अब इसमें से जो आउटपुट है वो यहाँ पर ऐसे इनपुट देंगे और जो सेलेक्ट लाइन से हमारे पास, जैसे एक सेलेक्ट लाइन ये है तो इस सेलेक्ट लाइन को, दोनों को सेलेक्ट लाइन्स को हम लोग इस तरीके से कंबाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास है बेसिकली जहाँ से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट लाइन हम बता सकते हैं कि कौन से में आउटपुट क्या होगा। तो हम एक मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं टू सेंड डेटा, बिफोर टू सेंड द डेटा थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप एक ही ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डेटा सेंड करना चाहते हैं तो उस केस में मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। लेकिन उस केस में हमें ये जो दोनों आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं तो इन दोनों सेलेक्ट लाइन्स को भी हमें अकॉर्डिंगली पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। सो कॉम्बिनेशन सर्किट दैट इज यूज व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम टू और मोर सोर्सेज, यानी कि एक से ज्यादा सोर्सेज से आपको डेटा सेंड करना है थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। अब सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से अगर आप डेटा सेंड करना चाहते हो तो उस केस में हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। तो ये ही हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होगी, लेकिन ये जो सेलेक्ट लाइन है इसको भी हमें ट्रांसमिट यानी कि सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गार्बेज कलेक्शन को लेकर, और ये जो गार्बेज कलेक्शन है ये जावा गार्बेज कलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा, तो जावा में गार्बेज कलेक्शन होता क्या है। तो एक मैंने इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम और प्रोग्राम यहाँ पर दिया है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं गार्बेज कलेक्शन होता क्या है। देखिए, जब सी और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं था, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्रिएट करना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है या किसी को मेमोरी डीएलोकेट करनी है तो उसका जो ध्यान है, उसको यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मेमोरी को मैनेज करें। जैसे कि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट किया और उस रेफरेंस वेरिएबल को आपने मेमोरी एलोकेट की और बाद में उसको नल कर दिया और उसको आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी मेमोरी को हमें डी एलोकेट भी करना है, लेकिन वो सी कंपाइलर उसको नहीं देखता बिकॉज वो एक यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द मेमोरी। लेकिन जावा में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमने जावा जो JVM मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन इट्सेल्फ, जो जावा वर्चुअल मशीन है वो मेमोरी मैनेजमेंट करती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को बनाना और उसको डिस्ट्रॉय करना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब उस केस में क्या होता है कि कई बार जो यूज़र जो है, जो प्रोग्रामर्स हैं, दे आर नॉट हाईली स्किल्ड और समटाइम्स दे आर मोस्टली नेगलेक्टिंग द मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट। सो यूजुअली द प्रोग्रामर नेगलेक्ट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, अब जो प्रोग्रामर है वो उसको डिस्ट्रॉय करना भूल जाता है या फिर वो नेगलेक्ट करता है कि टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस ऑब्जेक्ट। सो ड्यू टू दिस नेगलिजेंस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट सफिशेंट मेमोरी may not be available, बिकॉज आप सभी जो मेमोरी है उसको आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप सभी मेमोरी को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो एक नई मेमोरी लोकेशन को इनिशलाइज करना, एक नई मेमोरी लोकेशन को यूज़ करना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि जो मेमोरी है आप ऑलरेडी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं इन ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया लेकिन उसकी मेमोरी को डीएलोकेट नहीं किया, तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी विद अनलेस यूजलेस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूजलेस मेमोरी एलोकेशन। तो इट्स बेटर कि जब भी आप मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहे तो इट्स बेटर कि आप उसको डी एलोकेट कर दें। लेकिन ये जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जावा में एक मेमोरी मैनेजमेंट बनाया था। सो जो प्रोग्रामर नीड नॉट केयर फॉर ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नो लॉन्गर इन यूज़, जो भी ऑब्जेक्ट आपका यूज़ में नहीं है प्रोग्रामर को उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके केयर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉयज दीज ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे तो जावा जो कलेक्टर है वो उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है।
अब जावा कैरेक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमन थ्रेड दैट इज ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड. सो डेमन थ्रेड कौन सा होता है जो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहे. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं जो ऑलवेज विच रन ऑन द बैकग्राउंड. तो उसी तरीके से जावा कंपाइलर के अंदर भी जो डेमन थ्रेड है वो बैकग्राउंड में हमेशा रन होता रहता है. डेमन थ्रेड जो यहाँ पर है हमारे पास गार्बेज कलेक्टर, तो गार्बेज कलेक्टर का सिंपल सा काम है कि थ्रू आउट द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जहाँ जहाँ पर भी मेमोरी को हमने इनिशियलाइज किया है अब वो मेमोरी यूज़ में नहीं आ रही, अब वो गार्बेज लोकेशंस बन चुकी है विच आर नॉट इन यूज एनी मोर, तो उन सभी मेमोरी को आप फ्री कर दो. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्बेज कलेक्टर की. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्टर इज टू फ्री हीप मेमोरी बाय डिस्ट्रॉइंग द अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स. हीप मेमोरी जन जो आपके पास मेमोरी एलोकेट होंगी वेरिएबल्स को वो सभी हीप के अंदर होती है. आई थिंक आपको ऑलरेडी एक आइडिया है उस बारे में. अब एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है. इस एग्जांपल में हमने एक इंटीजर इनिशियलाइज किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 4. अब ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप इंटीजर. नाउ जब हमने किया आई इज इक्वल टू नल, देखो पहले जब हमने किया इंटीजर आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना आई और आई एक ऐसी मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है जहाँ पर 4 स्टोर्ड है. अब उसी तरीके जब हमने आई इज इक्वल टू नल किया तो नल करने से अब आई किसी भी लोकेशन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा. अब देखो हमारे पास अनरीचेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अनरीचेबल इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू इट. यानी कि अगर ये किसी को अगर रेफरेंस नहीं कर रहा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अनरीचेबल है अगर उसको कोई और उसको रेफर नहीं कर रहा. जैसे कि हमने यहाँ पर आई इज इक्वल टू 4 किया हमने, ठीक है. एक्चुअली यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होगा, ये जो मेमोरी है ये डिस्ट्रॉय होगी. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट नहीं कर रहा. अब बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं बचा, तो इस मेमोरी को हम लोग फ्री कर देंगे. ध्यान दीजिए हमारे पास ये जो आई है आई फ्री नहीं होगा यहाँ पर. आई एम सो सॉरी लेट में थोड़ा सा बीच में गलती से बोल दिया था. जो आई है वो हमारे पास फ्री नहीं होगा बिकॉज आई जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल है. हम जो डिस्ट्रॉय करेंगे वो इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेंगे जो कि अब रीचेबल नहीं है, ठीक है. सो हियर आई ये जो मेमोरी ऑब्जेक्ट है ये अब ये रेफ्री हो जाएगा, ठीक है. तो एलिजिबिलिटी फॉर गार्बेज कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज अनरीचेबल इन अबव इमेज द आफ्टर आई इज इक्वल टू नल इंटीजर ऑब्जेक्ट 4 इज इन हीप एरिया इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन. तो ये जो मेमोरी है ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो गार्बेज कलेक्टर उसको फ्री कर देगी. अब जो आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए, जैसे कि अगर नलीफाई द रेफरेंस वेरिएबल, यानी कोई रेफरेंस वेरिएबल है उसको नलीफाई कर दिया, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल किसी मेमोरी पर पॉइंट कर रहा था, हमने इस रेफरेंस वेरिएबल को कहीं और पर पॉइंट करा दिया, वो यहाँ पर रेफरेंस नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ये वाली जो मेमोरी हम इसको फ्री करना है, इसको कोई रेफर नहीं कर रहा. उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएशन इनसाइड अ मेथड, अगर आप एक मेथड के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो जैसे ही मेथड फिनिश होगा तो हमें डिस्ट्रॉय भी करना है. ऐसे ही हमारे पास आइसोलेशन ऑफ आइलैंड ऑफ आइसोलेशन, सो आइलैंड ऑफ आइसोलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आया. अगर मैं आइलैंड ऑफ आइसोलेशन के ऊपर भी आई कैन गिव अ डिफरेंट लेक्चर, बट एनीवेज इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस पर्टिकुलर केस कि हमें इसमें से जावा गार्बेज कलेक्शन होता क्या है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द जावा वर्चुअल मेमोरी JVM चेक्स द आउटपुट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम एंड डिलीट एनीथिंग डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है. सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम पेरियोडिकली डिलीट्स ऑल द जावा फाइल्स अवेलेबल ऑन द सिस्टम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम जावा फाइल्स को डिलीट नहीं करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज एनी जावा पैकेज इंपोर्टेड इन अ प्रोग्राम नॉट बींग यूज इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 4 इज वेन ऑल रेफरेंसेज टू एन ऑब्जेक्ट आर गोइंग then the memory used by the object is automatically reclaimed, this is correct. यानी कि जब किसी object को कोई भी refer नहीं कर रहा, तो यानी कि उस object को हम use नहीं करने वाले, उसका कोई आपके पास reference है ही नहीं, तो हम उस object को free करेंगे, उसके object की memory को हम free कर देंगे. तो Java जो garbage collection है उसका जो काम है वो memory को free करना है ऐसी. तो यहाँ पर option number 4 is the correct answer, ठीक है. अब next देखिए हमारे पास next is what is the full form of DTD. एंड DTD की देखो जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल फुल फॉर्म है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत है. DTD की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. अब जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है हम इसको XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं. तो दिस XML DTD का मतलब क्या है, XML डॉक्यूमेंट मे हैव ऑप्शनल DTD विच डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स ग्रामर.
अब डॉक्यूमेंट्स ग्रामर का मतलब क्या है, देखिए जब एक सेंडर है वो XML फॉर्मेट में किसी डेटा को सेंड कर रहा है रिसीवर को। अब XML का काम क्या है, देखो सिंपल XML का काम ये है कि वो डेटा को किसी फॉर्मेट में डिफाइन करता है कि डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं किस फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास HTML है, HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, लेकिन XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। यहाँ पर जो टैग्स होते हैं वो यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हम किसी डेटा को सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो दोनों को पता होना चाहिए कि किस तरह के टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं, और उस टैग के अकॉर्डिंग जो उनके बीच में जो डेटा स्टोर्ड है हम उस डेटा को रीड कर लेते हैं। ठीक है, वो एक XML जो है वो XML की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सिंस द डीटीटी डिफाइंस XML डॉक्यूमेंट्स ग्रामर, वी कैन यूज एन XML पार्सर टू चेक इफ एन XML डॉक्यूमेंट कन्फर्म्स टू द ग्रामर डिफाइंड बाय द डीटीटी और नॉट। सो डीटीटी यूज होता है ग्रामर को डिफाइन करने के लिए। अब जब यूजर एक रिसीवर के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो रिसीवर उस डीटीटी को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग जब वो डॉक्यूमेंट को पार्स करेगा तो बताएगा कि जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है क्या वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, क्या वो उस ग्रामर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि किसी ग्रामर के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने XML टैग्स यूज़ किए हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो एक लीगल XML डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, यानी कि वो पर्टिकुलर किसी रूल को फॉलो करता है या नहीं है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन यानी कि DTD। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, रजिस्टर इज द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द रिजल्ट और आंसर रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज डैश। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये डायरेक्टली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैं इसको ऑलरेडी कवर भी कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोस देखे हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोस में मैं एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर, स्टैक मशीन आर्किटेक्चर और प्रोग्राम काउंटर, इन तीनों चीज़ों को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, दिस इज इंस्ट्रक्शन I0, इंस्ट्रक्शन I1, इंस्ट्रक्शन I2 एंड सो ऑन, कई सारे इंस्ट्रक्शन हैं। अब अगर कोई प्रोग्राम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेट अस से हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि आपको एग्जीक्यूट करनी है। ध्यान दो, प्रोग्राम काउंटर उस इंस्ट्रक्शन में पॉइंट नहीं करेगा जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट एक्चुअली अगर CPU किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि CPU को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, प्रोग्राम काउंटर उसका सिंपल एक पॉइंटर रखेगा। ठीक है, अब जो स्टैक मशीन आर्किटेक्चर है वहाँ पर हम स्टैक को यूज़ करते हैं और एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर में हम एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं। एक मैं इसका एक डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ, हमने एक लेक्चर में इसको कवर भी किया था। पहला हमारे पास स्टैक CPU ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं स्टैक CPU ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैक CPU ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, ALU ऑपरेशन आर ऑलवेज परफॉर्म ऑन स्टैक डेटा। तो स्टैक CPU ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम स्टैक मेमोरी होती है, तो जो भी हमें डेटा चाहिए वो हमेशा स्टैक के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हमें ए और बी के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट अस से हमारे पास ऑपरेशन है ऐड, तो ऐड के लिए हम लोग स्टैक में सबसे पहले बी को निकालेंगे, बी को रखेंगे, फिर स्टैक में से हम ए को निकालेंगे, ए को रखेंगे, ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा और ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा सी वो हमारे पास इसी स्टैक के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो स्टैक मशीन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास स्टैक CPU ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा है वो हमेशा स्टैक के अंदर स्टोर होता है। उसी तरीके से हमारे पास एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर है, तो एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर में हमारे पास एक एक्यूमुलेटर है और एक हमारे पास मेमोरी है। तो एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर में हमारे पास मेमोरी हो सकती है। अब ध्यान दो, स्टैक मशीन आर्किटेक्चर में हमारे पास स्टैक मेमोरी थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास एक मेमोरी है जिसके अंदर डेटा हम किसी भी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। तो एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर में एक जो ऑपरेंड है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होगा और एक ऑपरेंड हमेशा मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ALU को जब भी दो ऑपरेंड चाहिए, जैसे कि हमें एज्यूम किया हमने ऐड लेट अस से 3000, ऐड 3000 मतलब क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन 3000 है वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा और जो दूसरा डेटा है वो एक्यूमुलेटर से आपको मिलेगा। अब दोनों डेटा को जब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट ALU ऑपरेंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एक्यूमुलेटर एंड द सेकंड इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर फाइल और इन द मेमोरी। तो जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, जैसे कि जितने भी रजिस्टर फाइल्स हमारे पास R0, R1, R2, जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स हैं, तो एक जो डेटा आइटम है वो हमेशा रजिस्टर में प्रेजेंट होगा या फिर मेमोरी में प्रेजेंट होगा और दूसरा हमेशा एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होगा।
और हम उसके ऊपर रिजल्ट को परफॉर्म करेंगे, और रिजल्ट का जो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन होगा हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा। तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर, ठीक है। सो अब यहाँ पर वो बोलता है रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ आंसर्स और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ पर स्टोर करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा हम उसको बेसिकली एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर मशीन आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टैक पॉइंटर की बात की गई है, देखो स्टैक मशीन आर्किटेक्चर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की बात की और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात की गई है। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो स्टैक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन था और एक्यूमुलेटर सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन था। अब ये जो स्टैक पॉइंटर है ये एक सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या है कि एक पॉइंटर है जो कि कीप ट्रैक, जो कि ये देखेगा कि स्टैक आपका कितना फुल हो चुका है और कितना बचा हुआ है। प्रोग्राम काउंटर यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है उसको पॉइंट करेगा, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी अगेन पॉइंटर है। तो जो तीनों हैं ये तीनों, ऑल दीज थ्री आर पॉइंटर्स, और इसमें से ओनली ये जो एक्यूमुलेटर है ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर आप किसी चीज़ का जो रिजल्ट है वो स्टोर करोगे। तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर वन है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लियरली आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री एंड फोर आर रॉन्ग, बिकॉज ऑल टू थ्री एंड फोर ऑल दीज आर पॉइंटर्स, दे आर नॉट मेमोरी लोकेशंस। सो एक्यूमुलेटर हियर इज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब के अंदर। नेक्स्ट, इफ द टाइम क्वांटम साइज इज टू यूनिट्स ऑफ एन डैश देयर इज ओनली वन जॉब ऑफ 14 टाइम यूनिट्स, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही जॉब है जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल जॉब है वो हमारे पास 14 टाइम यूनिट्स की हैं इन द रेडी क्यू एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज यूज्ड विल कॉल डैश कनेक्टेड स्विचेस। अब देखो इसका आंसर ना काफ़ी जगह पर बहुत ही गलत दिया गया है। इसके लिए एक्चुअली मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर यूज़ नहीं किया, बट एक प्रोग्राम भी अवेलेबल है ये लाइनक्स और यूनिक्स मशीन आर्किटेक्चर का। सो वहाँ पर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जब यूज़ करते हैं तो अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू में जब एक प्रोसेस जाएगी वो सिर्फ टू यूनिट्स के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर उसको हम दोबारा से बाहर निकालेंगे, हम दूसरी प्रोसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पता होगी, आपने मेरे वीडियो से राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़ी है। अब जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं तो हम सीपीयू में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है उसके लिए हम बनाते हैं गैंट चार्ट। आई थिंक आपको गैंट चार्ट के बारे में भी पता होगा। अब गैंट चार्ट में अगर लड़ा से P1 प्रोसेस को हमने पहले सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट किया, वो दो टाइम यूनिट्स तक एग्जीक्यूट हुई, यानी कि 0 से लेकर 2 तक, और फिर हमने सीपीयू से P1 प्रोसेस को निकाल कर हमने P2 प्रोसेस के अंदर सीपीयू के अंदर डाल दिया, तो ये हो गया P2 प्रोसेस। अब दोबारा से P2 प्रोसेस दो टाइम यूनिट्स के बाद निकली, और उसके बाद दोबारा से अगर P1 प्रोसेस सीपीयू के अंदर आई तो फिर से वो इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर बिकॉज जो प्रोसेसेस है वो अल्टरनेट कर रही है, यानी कि पहले हमारे पास देखो पहले हमारे पास P1 प्रोसेस आई, P1 के बाद P2 आई और P2 के बाद P1 आई। तो यहाँ पर जब प्रोसेसेस चेंज हो रही है तो उस केस में कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं, जो एक कनेक्टेड स्विचेस की बात की गई है, इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो अगर आपके पास प्रोसेसेस चेंज हो रही है सीपीयू के अंदर राउंड रॉबिन फैशन में तो उसको बोलेंगे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे हैं। लेकिन अगर राउंड रॉबिन फैशन में आप सिर्फ बार बार एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास 14 टाइम यूनिट्स की प्रोसेस है, तो दो दो टाइम यूनिट्स के करके आपने P1 जो सेम प्रोसेस है आप इसको 7 टाइम्स एग्जीक्यूट करोगे सीपीयू के अंदर, लेकिन ये प्रोसेसेस है वो दो अलग अलग प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस है। तो बिकॉज हमारे पास प्रोसेस आईडी सेम है, प्रोसेस आईडी आपके पास चेंज नहीं हो रही, बिकॉज हमारी प्रोसेस आईडी चेंज नहीं हो रही इस वजह से हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहे। इसके लिए आप सिंपली लाइनक्स का जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कोड है, प्रोग्राम का कोड, आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको लाइनक्स का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कोड मिल जाएगा, उस कोड को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि जब हम एक प्रोसेस को निकाल कर दूसरी प्रोसेस को सीपीयू के अंदर लेकर आते हैं तो उसमें कंडीशन गिवन है कि अगर दोनों की प्रोसेस आईडी सेम है तो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों की प्रोसेस आईडी अलग अलग हैं, जैसे कि पहले P1 प्रोसेस सीपीयू के अंदर थी फिर P2 प्रोसेस आई, यानी कि दोनों की प्रोसेस आईडी अलग अलग है, तो उस केस में ही हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की ज़रूरत है, तब हम नेक्स्ट न्यू प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट को रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मेमोरी विच डज नॉट लूज इट्स कॉन्टेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इज नोन एज डैश मेमोरी। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो मेमोरी पावर लूज होने के बाद अपना कॉन्टेंट को लूज नहीं करती, यानी कि पावर अगर चली जाए कॉन्टेंट को लूज नहीं करती, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं।
अब देखो इसमें हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है, तो वॉलेटाइल इज कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन इट्स डेटा वाइल द डिवाइस इज पावर्ड। जब आपकी डिवाइस जो है वो पावर्ड है और तब अगर कोई मेमोरी अपना कंटेंट मैनेज करती है, मेंटेन करती है तब तक ही, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। जैसे कि हमारे पास कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रजिस्टर जो है वो भी वॉलेटाइल है। आपके पास जो मेन मेमोरी है यानी कि रैम, वो भी वॉलेटाइल है। देखो रैम को ही हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, तो जो रैम है दैट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी इज ऑल्सो ए वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन जो आपके सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज नॉट ए वॉलेटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है लाइट ऑन जाने के बाद भी यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी हार्ड डिस्क के अंदर आप कॉन्टेंट उसको मैनेज करेंगे, यानी कि कॉन्टेंट आपके पास हमेशा सेव रहेगा। तो हार्ड डिस्क जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी, वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि द मेमोरी विच डज नॉट लूज इट्स कंटेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, यानी कि अगर पावर सप्लाई चली जाए या पावर सप्लाई फेल हो जाए, तो ऐसी कौन सी जो मेमोरी है जो अपना कंटेंट लूज नहीं करेगी, तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब मेन मेमोरी और जो रैम है दोनों एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब हम मेन मेमोरी की बात करेंगे यानी कि हम रैम की बात कर रहे हैं, तो इनमें आप प्लीज़ इसमें डिफरेंस समझिए कि दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ कहना चाहता है, और ये जो दोनों चीज़ हैं ये आपको वॉलेटाइल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ नॉन वॉलेटाइल। आई होप आपको ये समझ आया होगा।